नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, जो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, दिल्ली में कोई भी रिक्रूटमेंट निकलते हैं, संपूर्ण भारत से काफ़ी सारे लोग उसमें आवेदन करते हैं, तो अगर आप भी उन्हीं में से ही हैं और आप भी दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे हम TGT की बात करें, PGT की बात करें या फिर हम PRT की बात करें, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सारे के सारे स्कूल्स बता दूंगा दिल्ली में आपको कितने तरह के सरकारी स्कूल्स देखने को मिलते हैं, उसमें कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, कौन से दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, और बाकी कुछ मैं आपको नगर निगम के स्कूल्स भी बता दूंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एक सटीक रूप में जानकारी मिल जाएगी यदि आप दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो कितने तरह के स्कूल्स में आप दिल्ली में सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। और दोस्तों, दिल्ली में इसलिए ज़्यादा अभ्यर्थी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं क्योंकि एक तो दिल्ली में आपको सैलरी अच्छी देखने को मिलती है, प्लस आपको फैसिलिटीज़ भी देखने को अच्छी मिलती है। और दिल्ली वाले तो कम ही होंगे क्योंकि दिल्ली में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो बाहर से आके रह रहे हैं, तो इसलिए अगर कोई बाहर से आके यहाँ पर कैंडिडेट अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है दिल्ली में, तो उसे सर्वाइव करने में भी समस्या नहीं होती। बाकी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर अनअकैडमी के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, आप अपने टेट एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करने के लिए उसकी तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सभी टेट संबंधित कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में। इसी के साथ ACEC टेट 2021 एक कंप्लीट फ्री रिविजन कोर्स, जिसमें आपको फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से। और ये आपका 16 दिसंबर 2020 से लेकर 16 जनवरी 2021 तक चलेगा। इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन कराया जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, जो कि आपका 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा शाम के 6 बजे, इसमें बिल्कुल आप फ्री इनरोल कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप टेट प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए। और दोस्तों, आप हमारे रेफरल कोड कासियन टेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों, जब हम दिल्ली में सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको सरकार के बारे में बता दूं, मतलब दिल्ली में आपको कितनी तरह की सरकारी देखने को मिलती है, क्योंकि उनके अंतर्गत ही आपके दिल्ली के सरकारी स्कूल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपको लोकसभा के चुनाव दिल्ली में देखने को मिलते हैं, जिसमें जो जीतने वाले प्रत्याशी होते हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो हो गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे जो आपके चुनाव होते हैं वो होते हैं आपके विधानसभा के, जिसमें क्या होता है मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं जो जीतने वाला प्रत्याशी होता है, तो ये हो गई आपकी दिल्ली गवर्नमेंट। और तीसरे जो आपको चुनाव देखने को मिलते हैं वो होते हैं दोस्तों नगर निगम के। तो इस तरह से तीन सरकारें आपको देखने को मिलती हैं और तीन सरकारों के अंतर्गत ही आपको दिल्ली में सरकारी स्कूल भी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों की, जिसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे हम TGT की बात करें, PGT की बात करें या फिर PRT की बात करें। तो दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसके अंतर्गत आपके TGT, PGT और PRT तीनों स्तर पर आप शिक्षक बन सकते हैं उनके स्कूल्स में। और दोस्तों, इसकी रिक्रूटमेंट आपको DSSB के माध्यम से देखने को मिलती है दिल्ली में। आपको पता होगा कि जब DSSB की रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें कितने ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, बाकी इससे संबंधित मैं A to Z आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि दिल्ली वाले के लिए क्या इसमें रूल्स हैं, दिल्ली से बाहर वालों के लिए क्या रूल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो उन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो एक तो हो गया आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसके आपको बहुत सारे दिल्ली में स्कूल देखने को मिल जाएंगे, और जो इसके स्कूल होंगे वो होंगे आपके दिल्ली सरकार के, और इसमें TGT, PGT, PRT तीनों ही तरह के आपको शिक्षक भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी नगर निगम वाली सरकार होती है, जिसके अलग से दिल्ली में आपको चुनाव देखने को मिल जाते हैं, उसके स्कूल होते हैं दोस्तों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि MCD के स्कूल। इसमें केवल आपको PRT देखने को मिलेगा, नर्सरी टीचर देखने को मिल जाएंगे और आपको PRT देखने को मिलेगा, ठीक है। ना ही इसमें TGT होता, ना ही इसमें PGT होता। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप MCD के स्कूल्स में भी बन सकते हैं, और ये भी दोस्तों सरकारी स्कूल होते हैं, बाकी ये नगर निगम के आपके चुनाव अलग होते हैं और दिल्ली सरकार के आपके अलग होते हैं। और इसकी रिक्रूटमेंट भी आपको DSSB के माध्यम से देखने को मिलती है। तो जो मैंने PRT के नियम आपको रिसेंटली वीडियो में बताए, सारे के सारे नियम इसमें भी आपके लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम TGT और PGT की बात करते हैं, वो तो केवल आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में देखने को मिलते हैं जब हम दिल्ली सरकारी स्कूल की बात करते हैं। बाकी जब PRT की बात करते हैं तो आपको DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और MCD म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली दोनों में देखने को मिल जाते हैं। इसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको कंपेरिजन करके बताया कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। DOE में आपको PRT शिक्षक बनना चाहिए या फिर आपको MCD में PRT शिक्षक बनना चाहिए, ठीक है। वैसे आपके हाथ में नहीं होता, जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगी वो अपने हिसाब से आपको स्कूल अलॉट कर देंगे, अलग अलग रिक्रूटमेंट निकलती है।
ठीक है, लेकिन क्या किस में ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, बिल्कुल इसमें अच्छे से मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया। उस इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूँ कि अगर आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि MCDM में क्या होता है दोस्तों, MCDM में ना सैलरी का इशू रहता है, क्योंकि दिल्ली सरकार आपकी अलग है और नगर निगम की आपकी सरकार अलग है, ठीक है। तो इस चक्कर में पता नहीं कोई भी इनके रीजन रहा हो, लेकिन सैलरी का बहुत इशू रहता है, दो दो तीन तीन महीने तक आपको सैलरी नहीं देखने को मिलती। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या फिर दिल्ली के आसपास आप रहते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली में MCDM वाले बार बार हड़ताल करते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों उनकी सैलरी को लेकर, ठीक है। तो हमारे जो टीचर्स होते हैं जो MCDM में लगते हैं प्राइमरी टीचर, उनकी भी सैलरी का इशू हो जाता है। अब जो MCDM के स्कूल्स होते हैं जोन वाइज डिवाइड करके, जैसे आपका HDMC अलग हो गया, NDMC अलग हो गया, EDMC अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जोन में आपको सैलरी का इशू देखने को मिले, कभी किसी जोन में आपको सैलरी का इशू देखने को मिलता है, कभी किसी जोन में आपको सैलरी का इशू देखने को मिलता है, और ये हमेशा से ही रहा है। बाकी जब हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है आपको सरकारें अलग देखने को मिलेगी तो आपको स्कूल भी अलग देखने को मिल जाएंगे, इसमें यह होता है कि अगर आप MCDM में प्राइमरी टीचर है, यदि आपका प्रमोशन होता है TGT पद पर, तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, ठीक है, आप MCDM से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आ जाएंगे। बाकी अगर आप पहले से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में प्राइमरी टीचर है तो आपका प्रमोशन होगा, तो वैसे ही आप TGT में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने आपको तीन तरह की सरकारें बताई थी, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और आपकी नगर निगम हो गए, ठीक है। तो नगर निगम और दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ, जितने भी तो गए जो भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के, आपको दिल्ली में कितने स्कूल देखने को मिलते हैं। तो केंद्र सरकार के दोस्तों आपको एक केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे आप KVS बोलते हैं, और दूसरा आपका नवोदय विद्यालय संगठन या फिर नवोदय विद्यालय समिति, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय बोला जाता है और NVS भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो डिपार्टमेंट है जो आपको केंद्र सरकार के स्कूल दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जब हम KVS और NVS की बात करते हैं तो KVS में आपको TGT, PGT, PRT तीनों ही स्तर के शिक्षक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब हम दूसरी तरफ NVS की बात करते हैं तो इसमें केवल आपको TGT और PGT के ही शिक्षक देखने को मिलेंगे, उन्हीं पद पर आप शिक्षक बन सकते हैं, NVS में फिलहाल के समय में PRT नहीं है। और बाकी जब हम बात करते हैं इसकी, आपकी TGT के भी सभी विषय आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं संस्कृत का लेके चलूँ तो NVS में TGT संस्कृत का आपको पद ही नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, बाकी KVS में आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और परिवर्तन दोस्तों आपको जितने भी मैंने तीनों सरकारें बताई इनके स्कूल्स में देखने को मिल जाएंगे, यदि आप NVS या फिर KVS में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी दिल्ली में पढ़ाना पड़े, कभी भी आपका दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के स्कूल या फिर नगर निगम के स्कूल की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों बिल्कुल जब तक आप रिटायर नहीं होते आपको दिल्ली में ही पढ़ाना पड़ेगा, दिल्ली से बाहर आपका किसी भी हालत में किसी भी रूप में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बता दिया दिल्ली में तीन सरकार आपको देखने को मिलते हैं, उन तीनों सरकार के अंतर्गत आपको कौन कौन से स्कूल्स देखने को मिलते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आज की वीडियो में सरकारी स्कूल की बात कर रहे थे। बाकी दोस्तों एक बार मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूँगा, जो भी मैंने आपको तीनों तरह की सरकार बताई है उनके अंतर्गत जितने भी आपके सरकारी स्कूल है, चाहे हम KVS, NVS, DOE और MCDM किसी भी तरह की बात करें, तो इनसे संबंधित A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियोस के माध्यम से दे चुका हूँ, TGT, PGT और PRT को लेकर, मतलब कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के क्या रूल हैं, क्या आपको मेरिट देखने को मिलती है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या आपका सिलेबस होता है, बिल्कुल A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। इसमें यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं KVS, NVS, DOE और MCDM में TGT, PGT, PRT पद पर, इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट या कुछ भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को तो फटाफट से आप लाइक कर ही दो, साथ ही साथ जो भी दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं TGT, PGT, PRT स्तर पर, उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से हमारे SKASEN यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल शिक्षक और शिक्षण से संबंधित ही सारी वीडियोज होती है। तो यदि आप एक शिक्षक हैं या फिर भावी शिक्षक हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।